सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 1800-212-3494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मौजूद हूं हिसार में, आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, वो नामांकन भरने के लिए रवाना हो गए हैं सुशीला भवन से। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से रथ में सवार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, उनके साथ सावित्री जिंदल हैं, हिसार की जिला अध्यक्ष हैं, अमरपाल राणा हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस रथ में आपको देख रहे हैं तस्वीरों में। और आज नामांकन दाखिल है वो करने के लिए चौधरी रणजीत सिंह है, वो पहुंच रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। हम आपको बता दें कि 25 मई को हिसार में वोट डाले जाएंगे और इस लोकसभा चुनाव को लेकर के, चूंकि हिसार की सीट है, इस पर पूरे हरियाणा की नज़र है वो टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है उनको उम्मीदवार बनाया है, और कांग्रेस ने यहाँ पर जयप्रकाश जेपी है उनको चुनावी मैदान में उतारा है। इसी तरह से जेजेपी ने नैना सिंह चौटाला और इनेलो ने सुनैना सिंह चौटाला को उम्मीदवार बनाया। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें में कि किस तरह से चौधरी रणजीत सिंह है रथ लेकर के आज नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ लग रहा है इस हार के चुनाव को, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया, 100% जीतेंगे रणजीत सिंह जी। हाँ जी, एक तरफा जीत है जी। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? जीत गया, देख रहा क्या है, जीत गया 100%। बहुत भारी वोट से भी, बहुत भारी वोट से एक तरफा जीत है ही नहीं कोई मैदान में। तो जेपी को उम्मीदवार बनाए कांग्रेस जी, तो जेपी के पल्ले है क्या, है ही नहीं कुछ नहीं। लगातार जेपी जीत, दो तीन चुनाव जेपी थपी बात है, चला को नहीं। हाँ ना ना ना, हटे अभी चतुर्थी बार आएगा। हाँ जी, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह। अरे मेरा पूरा विचार सुनिए सर, पूरा मैं पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक से विनती करता हूँ, जमीन अड़पड़ा इंदिरा गांधी ने सरप्लस का कानून चलाया, आज भी हमारे पास कुंडों में मौजूद हमारे पास सबूत है, 70 किलो में से 10 किले बचे हैं, और मारकाट होने के बाद में इंदिरा गांधी ने बंद करा, 77 रुपए के अंदर कांग्रेस का सफाया हो गया, और मोदी जी ने किसानों के लिए कृषि कार्ड के अंदर बीमा शोक इतना बढ़िया दिया। आज मैं 4-5 किलो एकड़ का किसान हूँ, जिसने 6-7 लाख रुपए मोदी जी ने दिए। डांस कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि आज चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है वो नामांकन दाखिल करने के लिए निकल पड़े हैं सुशीला भवन से, और किस तरह से काफी संख्या में जो लोग हैं और जो लोग हैं वो डांस कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस रथ पे सवार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, और आगे जो लोग हैं वो डांस कर रहे हैं, हिसार के जो लोग हैं वो जो डांस करते हुए चल रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, कैसे देखते हैं चुनाव को? चुनाव मोदी मोदी बस, और कुछ नहीं, मोदी जी है। तो कांग्रेस ने जेपी को उतारा है, जेपी एक नंबर का झूठा आदमी है, जब पहले चंडीगढ़ से चलता हजारों आदमी यहाँ होते थे, लेकिन आज उसको कोई नाम लेने वाला नहीं है हिसार में, जेपी झूठा झूठ है सब। जिंदल साहब ने कहा था आम सभा में, इतनी बढ़िया झूठ बोलता है सच्चा आदमी भी उसके आगे, इतना झूठा आदमी मैंने दुनिया में, बाहर फॉरेन में घूमता हूँ दुनिया में, इतना बड़ा झूठा मैंने कहीं नहीं देखा, ये जिंदल सर के, जिंदल साहब के। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से जो लोग हैं वो डांस करते हुए चल रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आज हिसार में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए निकल पड़ी है। आपको दिखा रहे हैं कि रथ में सवार होकर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वो है, वो निकल पड़े हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।